A++. It means the score provided by the NAC must be more than 2.5. I mean the 2.5. Up to the 2.5, that is the A+. And if the score is below the 1.5, it means not accredited. It means very poor quality. So that is the grading. Grading starts from the D and ends to the A++. So in brief, you can say if your score is, the score provided by the NAC is more than 3.5 above this, then grading will be A++. रोहिता जी वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। नीलेश जी आपकी आवाज बंद हो गई। नमस्ते। आल्सो सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट अंडर द बैंडी सिस्टम ऑफ द नेक अंडर द न्यू एजुकेशन। After the completion of this old method, I will take initiative for the explanations about Nilesh Narayanji. Just now, some days before, you got an opportunity to take online classes of one American university. So that should also be told, na? Or हिंदी भी बोल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। राजेश से पूछ ले, राजेश को पता नहीं, वो तो मैसेज देखता पढ़ाई का। आई एम टेकिंग द नेक ओनली जस्ट। पहले ये भेज दें वाला व्हाट्सएप वाला काम तो करने तब पूछ ले। प्रसाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने तो अपनी थोड़ा सा परिचय दे दिया, तो हमारे आज इस नए जानकार और नए वक्ता को ससम्मान बुलाकर उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि हमारे टीम के गार्जियन आप ही हैं, तो अच्छा लगेगा हम लोग का जो कस्टम है। प्रसाद साहब देखिए, वक्ता भी तो शुरू हो चुका है। आमंत्रित वक्ता को हम सबों के ओर से हम प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और एक विषय जिसकी जानकारी कुछ लोगों को है, हमें तो नहीं है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कुछ सीखने का। और आपकी बातें सुनकर के कुछ बातें और जानकारी हासिल करने की इच्छा होगी, तो उस समय हम लोगों को आपसे आपकी बातें और आपके आप जो भी क्लारिफिकेशन होगा आपसे मिलकर हम लोग सीखेंगे। अभी तो इतनी जानकारी हुई आपके दो चार शब्दों से जो अभी तक जानकारी है कि ये जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में क्रेडिबिलिटी की मापदंड हुआ करती है, और उसके बेसिस पर लोग यह सोचते हैं कि हम किस कंपनी में अपने पैसे लगाएं, उस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके भविष्य कैसा है, इन सब चीजों को जानने की इच्छा होती है जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। लगता है उसी तरह की एक संस्था है जो एजुकेशन फील्ड में काम करती है। कितनी मान्यता इसको मिली है अभी तक, इसके बारे में जानकारी की इच्छा है। मैं जानता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या नाम है, कब चंद्रेश्वर जी आप बताएंगे वो कौन सी संस्था है जो क्रेडिबिलिटी
कि क्रेडिबिलिटी एसेस करती है और बड़े क्रिसिल है सर, क्रिसिल भी एक है जी, क्रिसिल भी है सर, क्रिसिल भी एक कंपनी है ना, वो एसेस करती है। हाँ, लेकिन मैं कुछ और ही बात देख रहा था, सुन रहा था, मेरे ध्यान में वो, लेकिन उसका बड़ा नाम है और बड़े सब कॉर्पोरेट एजेंसीज कोशिश करते हैं कि हमारा उनके यहाँ भी वही सी बी प्लस और ए प्लस प्लस वाली बात चलती है, तो कुछ प्रयास करते हैं। गैलप काफी चीजों को करता है सर, और सीआईआई ने भी एक्सेलेंस के तरफ काफी काम करना शुरू किया है। क्या नाम है उसका सर? एक तो गैलप है जो नाम दूसरा रखा हुआ है, लेकिन वो असेसमेंट करता है कि एम्प्लॉयज एंगेजमेंट कैसा है, और वो लेते हुए जो आपने पहले बताया है कि यदि एंगेजमेंट अधिक होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी और आगे बढ़ने के चांसेस उसके अधिक। इन्वेस्टर जानना चाहते हैं तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा नीलेश जी, आप सही आपका व्याख्यान शुरू हो ही चुका है, तो आप इसको फिर से शुरू करें। ओके सर, तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्कोर्स एंड ग्रेडिंग्स, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर प्रोसेस ऑफ दिस assessment and aggregates, what will be the process procedures associated with it. At first, institute, college interested in NAC aggregation and assessment has to register in ISA, All India Survey of Higher Education, on the portal of All India Survey of Higher Education, institute or college has to get registration. Once again, I am saying that All India Survey of Higher Education, there would be the approach of the institute or the college concerned, and institute and college has to get registration through this portal. First step, there would be the generation of one code. After the registrations, one code will be issued on the same portal. That is to be submitted for proceeding. After that, institutional information quality now. For that, the college will apply. After getting the code, after the first step, after the completion of the registration process, just I have said, college or institute will apply for IIQA, Institutional Information Quality Assessment, for quality assessment. There is the fees for that. Fees is 25,000 plus 18% GST. After getting approval from that, after the getting the approval for IIQA, 45 days is given. One thing it must be kept in mind, there would be the 45 days. Within that day, within these period, institute or college concerned had to submit SSR. SSR, self-study report. Self-study report is to be submitted within the 45 days after the getting approval for IIQA. For that, institute or the college. Yeah, yes, sir. क्या सर कुछ कहें?
मे आई प्रोसीड सर? अमिताभ सर क्या रिपोर्टेड? हाँ आप बोलते जाइए बोलते जाइए. ओके तो आफ्टर दिस IIQA देयर वुड बी द ACSR 40, that would be the time limitation would be the 45 days. If in case of failure or default, IIQA can be utilized two more times. One time 45 days has been given. In case of if within the 45 days SSR report is submitted, then okay. But in case of default, if you are not able to submit within this period, given periods, then two more chances will be given in 1 year. In these two chances, if company or institute or college is not able to fulfill the conditions of SSR, then again has to submit deposit 25,000 rupees. It means total would be the three chances within 1 year. That is for the submission of SSR, self-study report. That is the second step of the IIQA. After the registration of IIQA, institute will get the two more times after the completion of the 45 days. If that will be the pass, the institute or college will not be fulfilled the conditions for submission of it, then two more chances will be given. And after that, again, institute or college has to pass through the IIQA process. Under the SSR is a very complication, has the very complications. Complete quantitative and qualitative reports are to be submitted, having detailed information about the students, information taking from the last 5 years, etc. How many students have been reported in? There would be the two types of the matrices available on the portal of this NAC. Quantitative matrix and the qualitative matrix. Quantitative matrix will carry the weightage of 62%. Qualitative matrix will carry the weightage of 38%. In this, we have to fulfill the, we have to submit the all information that will be present on the SSR portal, NAC portal for the SSR. There you have to submit, matrix will be available. You have to submit the quantitative data and the qualitative data. Both data will be submitted. In this, you have to mention about the students, faculties, research programs, achievement, and the different types of the research programs, collaboration, or informations associated with the institute or college concerned will be submitted. After the submission of it, accepted, there in the next step, there would be DVV, data validations and verifications. Verification means what you have submitted, that will be verified by NAC now. That will be verified if there would be the loopholes and drawbacks. One thing more, I want to say that you have to fulfill the all genuine and true information. Because if the, at the time of the verification, if it is noticed that you have submitted the manipulated data, if that will be traced, NAC can take the action against that college or institute. Otherwise, your institute or college can be noticed, can be sent notice regarding to this, and legal actions can be taken also by the NAC and university associated. So be careful at the time of the submission of the SSR. At the time of the verifications,
both data will be checked, verified separately. Quantitative data and the qualitative data, both will be verified as. Now, there would be the two conditions. Your submission have been accepted or rejected. If submitted, then we can proceed. If that will be after the verification, it is accepted. Now, that is the SSA, a student satisfaction survey. Now, that is the important. Now, process is going on. SSS, a student satisfaction survey. It means now NET will approach to the different students, etc. What will be the level of study, etc. For that verification will be carried out. SSS students will can be approached by the NEC, etc. After that, a student satisfactory survey, that is important step. College will be informed by the NEC team, peer team, that will be the peer team will be constituted by the NEC. Team or team having the expert personality, peer team of the NEC. Team for what? Team for visiting the campus of the college or institution for the physical verifications and passing through the what will be the infrastructure, what are the associations, what type of the library, and what you have mentioned about the college and institute in that report. That will be verified, physically verified at the premises of the institute and college. The peer team that will visit in the last step now, that will be visit and where there will be the physical verification, what you have submitted, what you have told, what you have given the evidences. After this physical inspection, verifications, grading process will be started. Just before the commencement, at the time of the commencement of this lecture, we have also given what will be the gradings, what will be the scores. For what score, what will be the respective grades. I have explained. So after the visit of the peer team to the campuses, grading score will be given by the NEC. So if there would be the score more than the 3.5, 3.51 to the 4, that will be the A++. If less than a score, it will be the less than 1.5, not accredited. This process was creating now, that is the process, whole process, complete description of it. But now problem, what is the problem now? This has created discrimination that is the from one institute to other institute. Some institutes have obtained the A++, some institutes have obtained the B grade, etc. So there was the some discrimination like that. Some students are saying my college and my institute is better than that institute, so you are requested, you are suggested to take admission here. That is the one of the best school and sorry, one of the best school of the management maybe. And the institute, college, etc., where you can take admissions. My grading is A++, A+, A+, A, etc., better than the B grade and B++. So, in the light of such scenario, now I am changing that. I am going to talk about the new policies, new accreditation process now. That I have told, it is. And it can be executed, it can be implemented up to the next 4 months. But rather by the Radhakrishnan committee recommendations, new binding system NEC accreditation grading system has been eliminated. Now there will be no grading. Under the binding system, now I am talking about the binding system of the NEC process.
under this process, there would be no grading. There only would be either the institute or college concerned is accredited or non-accredited. That will be only. Binary system means only there would be the two options. Has been passed through the assessment or not passed. If has been passed, then okay. Not passed, it means not evaluated. Grading would be not applicable. That is the by the recommendation of this Radhakrishnan committee. That is the, now that has been educational committee also now. Okay. So under this system, grading would be completely eliminated. But the process would be the same. Grading will be not given. It will be not released by the NAC governing body. But process would be the same. Grading has created the discrimination. But now if college and now presently, if the college and institute is applying for the NAC accreditations, etc., that up to the 4 months, next 4 months I am talking about that, can be graded. But after that, there would be only binary system. Either it would be accredited or non-accredited. That is the brief of the. I will also make explanation. Then DBB. Then after that, आपकी आवाज बीच बीच में बंद हो जा रही है. ये क्या नाम है, बीच बीच में बंद हो जा रही है. हाँ अच्छा, अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनाली किशोर जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं सोनाली किशोर साहब से भी बोलूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑडिट का जो सिस्टम है, और अभी जो नीलेश नारायण साहब एजुकेशन ग्रेडेशन का जो सिस्टम बता रहे हैं, ये भी जैसे अपना सारा इंफॉर्मेशन सब चीज दे देने की बात कह रहे हैं, और उसमें भी हम लोग अकाउंट सबमिट करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर उसको करता है. तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड कोर्स है, और दूसरा जो आपका ये ग्रेडेशन करने वाले हैं ये एजुकेशन का, उनका क्या सिस्टम है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सबका एक कंपैरेटिव थोड़ा सा सोनाली किशोर जी भी बोलेंगी, बिकॉज अगले सप्ताह उनका ही स्पीच है इस विषय पर कि क्या मतलब जो ऑडिटेड अकाउंट से रिलायबल है या नहीं, क्या अकाउंट का ट्रू एंड फेयर वैल्यू एग्जिबिट करता है या नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये भी करेंगे. रोहित दास जी पुणे से आए हैं, रोहित दास जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 16 तारीख को मल्टी फेथ प्रेयर होगा, उसमें सारे माने दुनिया के लोग आएंगे, अमेरिका स्विट्जरलैंड सब जगह से एक संस्था मिल गई है, उसमें रोहित दास जी अपना पुणे का डिवोशनल सॉन्ग एक हमारा आपके तरफ से रहेगा, और मैं सभी को खबर करूंगा. तो नीलेश नारायण जी शुरू करिए. नीलेश नारायण जी 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 हाँ, सोनाली जी जरा ध्यान से सुनिएगा, तो हम आपका एक कंपैरेटिव सुनेंगे दोनों में से, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है. तो हम तो आपको आगे बढ़ गए हैं सोनाली हाँ. जी हाँ ठीक है, वो उतना कैच कर लेंगी वो. आपके आगे के व्याख्यान से वो उस बात को कवर कर लेंगी. हाँ जी, तो अभी हाँ हमने आपको बताया था कुछ अलर्टेड, हम बता देते हैं कुछ ऐसा. नैक को पहले, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि नैक क्या है, व्हाट इज द नैक, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वेयर इज द हेडक्वार्टर एक्सेट्रा, व्हाट आर द स्कोर्स, what are the grade system, under which score, what will be the what grading, I have explained about that.
After that, I took an initiative for the explanation regarding to the what will be the proceedings. Under the proceedings, I have explained about the essay. I have explained about the IIQA, institutional information for the quality assessment. I have explained about the SSR. SSR is the main steps under which we have to file, submit the different reports regarding to your college information. सबसे बड़ा ये है SSR को जमा करना. इसके लिए आपके यू हैव टू ओनली द 45 डेज, टाइम इज लिमिटेड, एंड विद इन दिस 45 डेज यू हैव टू सबमिट द ऑल इंफॉर्मेशन. एंड इंफॉर्मेशन फॉर द इंफॉर्मेशन देयर इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सबमिट द डाटा इन द गिवन पोर्टल. Qualitative data and the quantity data, both data will be mentioned here. Someone has raised his hand. आप उन्होंने सूरज जी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सूरज कुमार, सूरज जी आपने हैंड रेज किया है और ऐसे भी दब गया होगा, आप बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी बाई चांस उसमें उंगली पड़ जाती है तो खुल जाता है. सूरज जी आपको जब भी हमसे बात करने की इच्छा हो आपका स्वागत है, आपके लिए हम रुक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपका अपने रेज हैंड किया था, हो सकता है धोखे से जैसा हो सकता है, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दैट. तो वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द SSR. आपने उसके बाद हमने DVV का यूज किया था, आपको ये validations और verifications I am talking. That is carried out by the next side. SSR is that will be submitted from the college and institute side. Here you have to find, you have to submit the information regarding to faculties and students also. But a additional point, you have to also mention about the MOU, incubations, research programs, publications, and what and the all informations that has been carried out in your institute or college, like the workshop synopsis, what type of all information will be that will be the submitted for. There will be the prescribed format. सूरज कुमार जी फिर आपने हाथ उठाया है. ना ना वो भाई लगा रहेगा, वो जब तक कोई रेज नहीं करेंगे अभी. हाँ. इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके एकदम लास्ट में उसका जवाब दीजिएगा जो कोई पूछना चाहे. आप कंटिन्यू कीजिए, वैसे फ्लो कम हो जाता है. सूरज जी आपको कुछ बोलना है? सूरज जी आर यू लिसनिंग टू मी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके एक्सीडेंटली हो गया होगा. ओके कोई बात. तो एक्चुअली अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया इस बारे में, उसके बाद हमने कहा कि सारी प्रोसेस आप गुजर रहे हैं ओनली फॉर गेटिंग व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट टू गेट द ग्रेड लाइक ए ग्रेड, A+, A++ एक्सेट्रा. But under the new education policy, just I have explained about that, grading system that has been eliminated. There would be no grading. There would be the binary system. Binary system means there would be the only two options by the recommendation of the Radhakrishnan committee, just I have explained before you now. Two options like that, either the your college or institute or university, maybe also university comes under the evaluations, is accredited or not accredited. Binding system. Binding system, though, there will be only two options. तो ऐसा नहीं है, भविष्य में ऐसा नहीं है कि इतने ग्रेडिंग के पीछे आप जाएं. बस ये देखना है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन का आप शिकार नहीं हो. कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, ये प्लस प्लस आया है, ऐसा नहीं है. देयर इज अदर क्राइटेरिया ऑल्सो बाई विच विल गेट द ग्रेडिंग, हायर ग्रेड ऑल्सो, नॉट ओनली द एकेडमिक परफॉर्मेंस. समटाइम्स द सम like the bigger institutes, but the academy activities are more than the bigger institutes, so they can get the higher grades also. बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो आपके पास एक ग्रेड का probability बनता है. That's why due to avoid such type of the
discrimination new under the new education policy by the recommendation of the Radhakrishnan committee. Now there would be the only bandy system. जो अभी हम करना चाह रहे हैं ये हम इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि आगे चल के आपको ग्रेडिंग के चक्कर में नहीं, ग्रेडिंग के चक्कर में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत हर इंस्टीट्यूट इस दौर में है कि मुझे प्लस ए प्लस प्लस ही आ जाए और इसके लिए सारी समटाइम्स ए लॉट ए चेन ऑफ मैनिपुलेशन एक्टिविटीज हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यू टू गेटिंग द ए प्लस प्लस एनीवे. दैट्स व्हाई आई हैव द सजेशंस ऑल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस not necessary. Under the if in the future your institute or college will pass through will only the bandy system under which there would be no grading, no score, only there would be evaluations or not evaluations. I means there would be assessment or not assessment. It means your institute or college has been accredited or not accredited. So only these. So एक प्रोसेस है. अब उसमें क्या है हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं आपसे. जैसे अभी हम नींबू नहीं खाना चाहिए ना, जैसे हमने साइड से आ रही है तो पूरा ले लो. आप म्यूटेड सर, थोड़ा म्यूटेड आवाज आ रही है साइड से. हेलो. या या अमिताभ सर. हाँ जी. हाँ थोड़ा सा म्यूटेड कर दी साइड में है, आवाज आती है थोड़ा सा इधर प्रसाद कर. नहीं ठीक है, तो रुक जाते हैं थोड़ी देर, रुक जाते हैं थोड़ा. अभी ना रुकिए नहीं चलते रहिए. म्यूटेड कर दीजिए थोड़ा सा. हाँ म्यूट कर. चेक से दे देंगे. अभी एक मीटिंग चल रही है हम लोग की, आज 7 बजे वाली मीटिंग. पांच बजे. हाँ अच्छा हाँ, तो उन्हीं की 5 बजे शुरू हो गया. हाँ 5-6 बजे शुरू हो गया. आज वो चेंज किया था, इनकी सुविधा के अनुसार चेंज किया गया था. तो हम उसी में हैं अभी. तो हम कल इनको आपके चलिए नीलेश जी. अब इसके टेक्निकल पॉइंट पे थोड़ा हम चर्चा कर लें. अभी जस्ट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज द नेक एटसेट्रा. आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस स्टेप्स एसोसिएटेड विद इट. व्हाट विल बी द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, हाउ कैन यू प्रोसीड फॉर द नेक एग्रीडेशन. सो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द ऐसे IIQA, SSR, DVV, SSS and the visit by the peer team. I have explained about this. Technical point of view, quantitative data and the qualitative data, that is the quantitative data, that for that there will be the matrix available on the portal where we have to put the numbers, what will be the required, what will be the mentioned there, you have to submit it. But for the qualitative data, we have to give the descriptions about that, having the testimonials. Proof must be supported by testimonials. What we have mentioned in the qualitative data, that must be supported by the documents, testimonials. And it has the weightage of 38%. In percentage terms, it has the weightage for 38%. As far as the quantitative data is concerned, it is technical point of view, I am talking about that. It has the percentage weightage of 62%. So on the basis of this percentage difference, quantitative data has the great value in comparison with the qualitative data, what you have mentioned it. So quantitative data, what you mention, I expect the 70 to 80% of this data is already present with the university from where NAC can take it. So there is the very easy process to verify it. What you submit, all record have been already submitted by the same college and data can be obtained from the university or the university responsible for giving the affiliation to your institute and college. But in qualitative data,
all records are not present with it. You have submitted at the time of it. Suppose that if you have recently, if you have mentioned the MOU, you have to mention about the data documents in favor of exhibiting MOU with the particular organization, research center, etc. So format will be given. You have to write in the prescribed format, having the prescribed, within the prescribed limit. Well, there will be the words limits also. Generally, there are 350 words under which we have to mention about the description. 350 words, that will be sufficient. Within this limitation, we have to mention about the all information. For that, you have to submit about the document proof in favor of your submissions. Testimonials, proof for the testimonials. We have to submit for that. That is the technical point of it. And one thing, I have also explained about that. That will be verified, validated. If there would be the manipulation, if that will be traced, then action can be taken by NAC. NAC is a governing body, separate governing body of UGC. So its action will make or mar the future of the institute or college. It must be kept in mind. After the DBB, if that will be accepted, there would be the one team will be constituted having the export of the NAC, maybe the representative of the chairman also, some person will be appointed, and there would be a team will be constituted, and that team will be responsible for the inspection of the institute or college concerned. Its information will be given to the college or institute concerned 2 or 3 days, only short period of time. Within this short period of time, you have to be ready for making the welcome. So in this short period of time, you have to be ready for the physical inspections. And they team visit will, by giving the prior informations, having before the 2 and 3 days, and that will make the inspection, physical inspection regarding to the all information what you have submitted. After that, grading process, a score will be decided. A score will decide the under which grade your institute or the college or university comes. So that is the process, technical point I have explained. So I have explained about these steps also on the technical point of it. And I have also explained about that nowadays, now new binding system NAC process has come into existence. That is to be preferred by the university or college and the institutes also. That is, I expect you have a lot of questions. Process is a very complicated process, but I have, in short period of time, I have tried my best to make the explanations regarding to the various steps I have explained before you. But despite this, my effort, if you have to any questions regarding to it and any suggestions also, your suggestions, questions, and your ideas, opinions regarding to it are also welcome. So now you can proceed for that. Amitabh sir. Haan sir, okay. अच्छा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अकाउंट्स का सर्टिफिकेट देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार किया जाता है, फिजिकल सर्टिफिकेट देने के लिए MBBS डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है, 5 बरस का कोर्स होता है। तो ये जो NAC का जो वैल्यूएशन करते हैं उनका भी कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होता है क्या? NAC के जो वैल्यूएशन करते हैं वो सर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी के, हाँ, ये उच्च अधिकारी होते हैं, हायर अथॉरिटी होते हैं जिनको यूजीसी अपॉइंट करती है। नेक एक गवर्निंग बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरह ही, लेकिन ये सेपरेट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है।
इसका जो हाँ जो एग्जिस्टेंस में आया 1994 में, शिक्षा के हायर एजुकेशन की स्तर को गिरते हुए देखते हुए इसका दायित्व और बढ़ गया। ये शिक्षा उच्च शिक्षा जैसे जुड़ी हुई जो भी संस्थान हैं उनका इवेल्युएशन असेसमेंट करती है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है बनी रहे। तो इसके जो पर्सन होते हैं अथॉरिटी होते हैं वो यूनिवर्सिटी से अपॉइंट होते हैं, नैक जो अपॉइंट करती है, ये काफी उच्च स्तर के अकाडमिशियंस होते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज ऑफ चेयरमैन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट किए जाते हैं। और ऐसे लोग की एक एकेडमिशियंस होते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं ये, और ये इवैल्यूएशन करने के बाद ग्रेडिंग करते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए बिना हम अकाउंट्स का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, वैसा कोई बाइंडिंग नहीं है, बस प्रेसिडेंट या कोई भी हाईली क्वालिफाइड आदमी उसको यूजीसी जिसको गवर्नमेंटल बॉडी है सर, ये गवर्नमेंटल बॉडी है, यूजीसी के जो डायरेक्टर चेयरमैन होंगे वो तो गवर्नमेंटल बॉडी का अपॉइंटमेंट। हाँ, मतलब इसके लिए इसके इवैल्यूएशन के लिए कोई पढ़ाई करने की या एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लॉयर है तो उसको मतलब LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, यही ना नीलेश नारायण जी? आप प्रोफेसर होंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनकी बहाली हुई होगी, वो उनकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री PhD होंगे, रिसर्च प्रोग्राम होंगे, पब्लिकेशंस किए होंगे, उनका उनका एक्सपीरियंस 15 से 20 साल होगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए होंगे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा तो जैसे कि अकाउंट्स का मैनिपुलेशन भी बहुत जगह होने लगा है, होता ही है हमेशा हमेशा, हमने कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, दार्जिलिंग कई जगह काम किया है और ऑडिट में तो पूरे हिंदुस्तान में घूमा है हमने, तो उसमें हमने देखा है कि मतलब लिंकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का यदि उनसे अच्छा अप्रोच है इनकम टैक्स अथॉरिटी से या उससे, तो वो अकाउंट गलत भी हो तो उसको पास करवा देते हैं, बस अपने उसमें CA का क्रेडिट होता है। तो क्या मतलब ग्रेडेशन देते समय ऐसा भी कुछ सिस्टम उसमें मतलब नेट में तो नहीं है जिसमें कि मतलब नहीं डिजर्व करने वाले कॉलेज को भी अच्छा ग्रेडेशन दे दिया जाता है? सर ट्रांसपेरेंसी तो रखी जाती है, इसकी संभावना कम रहती है, फिर भी कुछ ग्रेडिंग में हो सकते हैं, कुछ स्कोरिंग देखिए बहुत कम का है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, स्कोरिंग 3 जो है 3B++ के लिए, और 3.3 से ऊपर जैसे 0.1 आ गया, 3.1 पे चले गए तो A ग्रेड हो गया। अब इसका इवैल्यूएशन के समय ये पता करना इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि 3 आए या 3.1 आए, 3 है तो अप टू 3B++, 3 अबव 3 वो ए ग्रेड में चले जाते हैं। हां, इसके लिए तो है बहुत सावधानी बरतनी होगी इसके लिए कि 3 आ रहा है, 3 से थोड़ा ऊपर जा रहा है वो स्कोरिंग के समय। अब जैसे 3.5 है तो ए प्लस है, और 3.51 है तो ए प्लस प्लस है। तो ये तो थोड़ी सी है, ये क्वेश्चन इस पे राइज हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। तो आपका कहना सही है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हर क्षेत्र में हो रहे हैं, तो यहाँ भी होता होगा क्या, उसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि रखा जाता है, और नेक को अभी बहुत ही उच्च कोटि के गुणवत्ता वाले ग्रेडिंग देने वाले संस्थाओं में रखा गया है और उस पर लोग की विश्वास जमी है, तो अभी तक तो ऐसा नहीं नोटिस में आया है, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि उसको B++ दिया जाए या ये दिया जाए। तो 3 अगर है, स्कोर 3 है तो B++ है, 3.1 है अप टू द 3.25 तो वो A+ में चले जाते हैं, सॉरी A में चले जाते हैं, 3.26 से वो फिर A+ में चले जाते हैं, 3.51 से वो A++ में चले जाते हैं।
तो यहाँ हम थ्री को मान लें, अगर बाउंडेशन मान लें या डिमार्केशन के पे रख दें, तो थ्री से 3.1 इसके बीच का गैप बहुत कम है। किस क्राइटेरिया के अनुसार किसी कॉलेज को थ्री दिया गया और किस क्राइटेरिया के अनुसार 3.1 दिया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर सकता है। तो ये है, लेकिन उनके पास पूरा रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, डाटा जो सबमिशन करते हैं वो पोर्टल पे होते हैं। नए खुद प्रश्न तो हम नहीं उठा सकते हैं, उसके ट्रांसपेरेंसी को तो हम उसके कायल हैं सर, सही बात है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें है और हायर अथॉरिटी की टीम बनती है उनमें। तो वह एक संस्था ऐसी है जिस पर हम लोग को विश्वास जतानी होगी और उनको धन्यवाद देना होगा कि हायर एजुकेशन में वो अपना योगदान दे रहे हैं, क्वालिटी को अच्छा कर रहे हैं। नेक के लिए मेरी सोच को है ऑप्टिमिस्टिक है, आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन के जो हैं उनकी पढ़ाई में, एकेडमिक एक्टिविटीज में, रिसर्च में, पब्लिकेशन, सारे एक्टिविटीज में सुधार आएगी, आ भी रही है और आएगी भी। प्रसाद साहब ने हैंड रेज किया है, प्रसाद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर, ये जानना चाहते हैं कि जी अभी तक नैक के जो सिस्टम, जी जी, नैक का अपना असेसमेंट तो कैसा रहा, यूजीसी की मदद में नैक का जो असेसमेंट है। आवाज सर आपकी कट रही थी, क्लियर आ रही है क्या सर? सर बोलिए सर, बोलिए, ध्यान से सुनिए। कि आप एलिजिबिलिटी को और असेस करते हैं सर, साइड से कुछ आवाज आ रही है आपकी सर, आवाज क्लियर नहीं मिल रही है सर। आपके लिए जो संस्था है एनएके, ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो इसी काम को करती हैं? नीले जी, ऐसी और भी कोई संस्था है जो एक काम करती हैं? प्रसाद जी ने पूछा। नीले जी, इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है। हाँ, आपने क्वेश्चन किया है कि क्या नैक की तरह और भी कोई संस्था, यही क्वेश्चन है सर आपका? जी हाँ, ये सवाल है। नहीं, हम आप क्वेश्चन सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं सर, आपका क्वेश्चन यही है कि नैक की तरह और भी कोई संस्था है जो इस तरह की काम करती है, ये क्वेश्चन है क्या सर आपका? जी हाँ। अच्छा, नहीं, ये नैक जो है तो रिसेंटली आई है, 94 में से इसका आया है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इसका ज्यादा महत्व पड़ गया है। इसके पहले ये काम यूजीसी खुद करती थी, यूजीसी करती थी और AICT है, AICT जो है वो करती है, AICT सारी चीजें जो नैक मांगती है वो सारी चीजें AICT भी मांगती है, अप्रूवल देने के समय और अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल देने के बाद बार बार जो एक्सटेंशन देती है उसके लिए, तो डॉक्यूमेंट जो है वो AICT भी लेती है। लेकिन इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं नैक में, वो कॉम्प्लिकेशंस AICT के पास नहीं थी, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और ट्रांसपेरेंसी नैक में ज़्यादा है। जैसे जैसे इसमें एजुकेशन में सुधार लाने की चरण में आगे बढ़े हैं तो पहले से UGC है और AICT भी है जो इस तरह की काम करती है, लेकिन नैक जो है वो ग्रेडिंग करती है, AICT ऐसा कोई ग्रेडिंग नहीं करती है, उनके स्कोर के आधार पर उसको रेस्पेक्टिव आपका ग्रेड दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए ये उत्तरदायी है उस काम के लिए आपका AICT भी उत्तरदायी है। ऐसी संस्थाएं हैं पहले से, लेकिन 94 से ही आया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इसका दायित्व नैक का और बढ़ गया है। अच्छा, देखिए, जो बातें हम लोग सुनते हैं, जी जी, जो हम लोग और देखते भी हैं और रोज ही इसकी जानकारी मिलती है जिससे जानकर खुशी नहीं दुखी होता है। जी, जानकारी ये है कि कॉलेजेस नाम कॉलेजेस की जगह पर कॉलेजेस में सिर्फ नाम लिखाने के लिए बच्चे जाते हैं और उनकी पढ़ाई वहाँ नहीं होती है, उनके शिक्षक भी नहीं होते हैं, बल्कि उनको
एक नॉन टीचिंग कॉलेजेस की संज्ञा भी दे दी गई है। जी जी। और पता नहीं हो सकता दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता हो, वरना कॉलेज औरंगाबाद में हो, जहानाबाद में हो सकती है, लेकिन कोई बच्चा वहाँ औरंगाबाद में नहीं रहता है, जहानाबाद में नहीं रहता है, वो सब कोचिंग क्लास लेते हैं पटना में। जी जी जी। तो इस तरह की चीजें जब देखने को मिलती हैं, जी जी, तो जो एनएक जैसी संस्था या एनसीटी की संस्था, जी जी, सवालिया निशान लग जाता है। जी जी। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, आपको कहां पर गैप है। हमें तो चाहिए ऐसी संस्थाएं जो साफ ये बता दे कि ये फेक है और ये जेन्युइन है। इतना ही अगर बताने संस्था हो ये फेक है और ये जेन्युइन है, यही बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। जी जी। तो इसी संदर्भ में ऐसे ऐसे कदम जो सर उठाए गए हैं, इसका उद्देश्य यही है जो आप कहना चाह रहे हैं सर, कि आने वाले दिनों में बच्चों को सही शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, मोस्टली मेनली हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में उनको सही शिक्षा, गुणवत्ता से भरी हुई शिक्षा उनको दी जाए हायर एजुकेशन के लिए। तो ये नैक का भी उद्देश्य वही है सर जो आप कहना चाह रहे हैं। ये कमियां है जो आप बोल रहे हैं, ये कमियां संज्ञान में ली गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इस कमियों को संज्ञान में ली गई है, जिसके फलस्वरूप ऐसे ऐसे कदम उठाए गए हैं और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। और ये जो इतने जो प्रोसीडिंग्स में जो हम स्टेप्स बताए, इतने स्टेप्स जो हैं वो इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए है। हर किसी न किसी स्टेप्स पे आप हायर एजुकेशन में से जुड़ी कमियां को आप उजागर कर सकते हैं। इतने सारे स्टेप्स कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपकी कमियां उजागर होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिश की गई है। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं जो नैक के जो एसएसआर जो सबमिशन है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी डाटा आपको फुलफिल करना है, इतना डाटा उसमें सबमिट करना है, क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा इतने ज्यादा हैं, और विथ प्रूफ कि आप हर चीज को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप उजागर होंगे। तो ये ऐसा है, कदम उठाया ही गया है इन्हीं सब कारणों से। नीलेश नारायण साहब, ये प्रसाद साहब ने एक बहुत अच्छा बात कहा। जी जी। ये हमारे जनार्दन जी भी बहुत दिन बाद हमारे मीटिंग में आए, उनका स्वागत जी, है। स्वागत है जनार्दन जी, आप भी बोलेंगे कुछ, लेकिन हम आपको एक नंगा सत्य बता रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज में एक लड़का हमारे यहाँ आता रहता है, हमारा कंप्यूटर का सारा सर्विसिंग वही करता है। तो वो बेचारा मतलब कि घूम रहा है, कभी क्लास नहीं होता है, और बस से एक दिन पहले खबर आती है कि कल तुम्हारा फिर बीकॉम पार्ट वन का टेस्ट है। दूसरे दिन ये लोग क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद फिर ये लोगों का दूसरे दिन एडमिट कार्ड मिल जाता है, तीसरे दिन परीक्षा होती है, और सब लड़के कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई 60% 50%। ये पोजीशन खाली यहीं की नहीं है, ये पता नहीं नैक सिस्टम कितना इफेक्टिव है, हम इसको एक्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम नेकेड ट्रूथ है। जिसको भी प्रसाद साहब ने कहा भी कि क्लास नहीं होता है, ये नहीं होता, प्रोफेसर आते हैं, उनको तनख्वाह मिल जाती है, बस एग्जाम का डेट निकाल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो कम्पिटिटिव परीक्षा देने के लिए अलाउड। ये अब लोग कहेंगे कि ठीक है बिहार में बहुत कॉल, ऐसा नहीं है बिहार में खाली कॉल, हम तो दिल्ली भी काम किए, बम्बई भी काम किए, कलकत्ता भी काम किए, सब दुनिया में काम किए, तो हमने सब जगह देखा। दिल्ली में मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, और लंदन का भी है, तो अभी घाना में अफ्रीका में काम करता है। तो दिल्ली में बीकॉम की परीक्षा यहाँ से नहीं किया, बीकॉम से कल दिल्ली से किया, वो तो जब पेपर लिख रहा था तो देखे सब कोई लिख रहा था, देख के लिख रहा था,
तो और ये नहीं देख रहा था, तो मैडम आई, मैडम आके और इन्विजिलेटर थी, बोलने लगी कि बेटा सभी लोग देख के लिख रहे, तुम क्यों नहीं देख रहे हो? तो बोला मैडम हम फेल भी हो जाएंगे तो भी हम देख के नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हम लोग चोरी चमारी घूस घास ये काम नहीं करते हैं। तो बड़ा इम्प्रेसिव हुई, सबको लगा ले जाके दिखाई, और आश्चर्य ये था कि ये लड़का मेरा बेटा निकल गया, ऊपर के 10 पीछे के 10 लड़के उसमें रोल नंबर 11 था। तो ये सिस्टम है, ऐसे लोग खुश होंगे कि बिहार को कॉरप्टेड बिहार का ही बोलने वाला आदमी एक है, ऐसा नहीं है। हमने दिल्ली का भी देखा है, बम्बई का भी देखा है, सब जगह देखा है, इतना स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में नहीं है। अच्छा अब हमको एक चीज और बताइए कि क्या ये लड़के लोग मतलब ये नैक के ग्रेडेशन के आधार पर क्लास में, हम तो साफ साफ बात बोलते हैं, नैक के ग्रेडेशन के आधार पर क्या लड़के बोलते हैं कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लें या हम इस कॉलेज, क्या इसके ग्रेडेशन का कुछ मूल्यांकन है, कुछ वैल्यू है, या कुछ उसको ज्यादा इज्जत मिलती है, या उसको कुछ ज्यादा ग्रांट मिल जाता है, क्या फायदा है नैक के ग्रेडेशन का, जब शिक्षा के मूल्य में, शिक्षा के नैतिकता में कुछ सुधार नहीं हो रही है? बहुत हम रूखा प्रश्न किए हैं, लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। हम जो अपने आँख से, हम अपने आँख से जो देख रहे हैं, हम हालांकि हमने तो कलकत्ता से परीक्षा दिया था, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम जो सिस्टम देख रहे हैं सब जगह, तो हमको नहीं लगता है कि खाली और दूसरे की खाली बिहार को गाली देने से नहीं होगा। हमने यूपी में भी देखा है, बंगाल में भी देखा है, बंबई में, महाराष्ट्र में भी देखा, सब जगह देखा है। तो शिक्षा, लेकिन कहीं सब जगह कुछ कंट्रोल है, लेकिन यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। आज एडमिट कार्ड, आज परीक्षा का डेट निकाल दिया, कल एडमिशन, आप इसको पता लगा लीजिए, कल एडमिट कार्ड दे दिया, परसों परीक्षा हो गया, तब तो रिजल्ट निकल गया, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70% निकल गया। अरे ये क्या मतलब, और मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ पर है, किसको कितना ये थोड़ी है। लोग बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेवकूफ होता है, ये होता है, अरे भाई एक भी ग्रुप निकाल के दिखाओ ना उसका, इतना कस के एग्जाम होता है, इतना ये होता है, दुनिया का सबसे आईएएस से भी टफ एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। जी जी जी, हाँ, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है, एक एक लाइन रट के, एक एक सेक्शन रट के आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। और हमारे यहाँ के लड़के जब बाहर जाते हैं, बाहर में इतना नाम कमाते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, आईएएस लेते बनते हैं, लेकिन यहाँ के मतलब शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, और कौन मेरा साथ देगा? जब हम सच्चाई का भाषण देते हैं तो नहीं नहीं अमिताभ जी का साथ छोड़िए, अरे हम छोड़ दीजिए ना, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किसी के साथ का जरूरत नहीं है, सब हमको सच्चे आदमी की जरूरत है और सच्चे लोगों का साथ का जरूरत है। तो प्रश्न ये है कि इस स्तर को नैक से कैसे सुधारा जाए, और इसको प्रैक्टिकली लाभ, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारे खान साहब जो हैं बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर हैं। जी तो सर, जी। ये गलत ग्रेडेशन से थोड़ी हुआ है, हम लोगों ने जो भी अचीवमेंट किया है खूब मेहनत से किया, खूब पढ़ाई से की है। हमसे पूछिए जो प्रश्न पूछना है, हम पूछिए, नहीं बता पाए तो हमको रिजेक्ट कीजिए, हमको उतना गट्स है कि हम आपके सब प्रश्नों का उत्तर। लेकिन यहाँ के लड़कों को मतलब एमकॉम एलएलबी और सब डिग्री है, और पूछिए और सिंपल चीज नहीं बता पाते हैं, क्या मतलब, कैसे कैसे ग्रेडेशन का क्या मूल, हम बहुत कड़वा सच बोलते हैं, पता नहीं लोग हमसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन ठीक है, ये मेरा आदत है, और हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं, हम सुधार करना चाहते हैं, हमको वेबिनार एक अच्छा मिल गया, इससे भी कुछ सुधार हो रहा है। जी सर, सारी दुनिया के लोग इस बात को सुन रहे हैं, आपका कहना सही है सर, और नेक पे हुई है, हम इसके आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, और आज हम नहीं, इसका क्या उत्तर है? नहीं, आपका कहना सही है कि सिर्फ नेक से ही शिक्षा में सुधार नहीं हो सकते हैं, हमें अपनी आत्म मंथन करनी होगी, पढ़ाई के प्रति बच्चों को जागरूक करना होगा,
शिक्षकों को, प्रोफेसर जो हैं, अध्यापक हैं, उन लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, उनको समझनी होगी। जी जी, आपका कहना सही है और हम इसका आपका बात की समर्थन कर देते हैं, समर्थन करते हैं कि सिर्फ ग्रेड ए और ग्रेड बी और ग्रेड सी ऐसी चीजें ही शिक्षा को सुधार नहीं कर सकती है। बच्चों को आप आत्ममंथन की जरूरत है, शिक्षकों को भी आत्ममंथन की जरूरत है, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, पढ़ाई के प्रति एक जुनून की जरूरत है, एक जुनून, एक वासना जुनून और एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और महीना के अंत में प्रोफेसर लोगों को सैलरी मिल जाती है, उनका काम खत्म और सैलरी बहुत अच्छा है। जी, सरकार पैसा। जनार्दन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जनार्दन जी, जी जी, जनार्दन जी बोलिए, आज बहुत दिन बाद आए, कुछ तो बोलिए। आपका ये माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। सबको प्रणाम। थोड़ी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए दो महीने से मैं नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आज जैसे ही एजुकेशन की बात हुई तो मैंने अपने को रोक नहीं पाया। एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सारी दुनिया का इंटरेस्ट है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला अगर कोई सेक्टर है, आगे ले जाने वाला सेक्टर है, हैप्पीनेस का सेक्टर है, तो यही है। और इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और जब नीलेश जी ने इस पर बात की तो बड़ा अच्छा लगा, और आप सब ने इस पर अपना अपना इनपुट दिया। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी के ये से भी जुड़ा रहता हूँ और थोड़ा नैक से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पहली बार भारत में ये एक अच्छा इनपुट दिया गया है। जब एक बाहर की एजेंसी जो उस इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी नहीं है, इंडिपेंडेंटली उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखती है और उसका पूरा स्क्वाड एनालिसिस करती है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, आप तनख्वाह में इंटरेस्ट होते हैं, लड़कों के पास करने में, रिजल्ट में और बाकी चीजों में रहते हैं, प्रबंधन में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म उसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ये है एजुकेशन, जिसमें सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट करना या सिर्फ स्किल को इम्पार्ट करना या एक नहीं है, बल्कि उसको एक एटीट्यूड को भी चेंज करके लड़के को एक परफेक्ट सिटीजन बनाना। और इसके लिए जो स्वॉट एनालिसिस जब बाहर की संस्था करती है, इंडिपेंडेंट संस्था, तो वो एक दर्पण जैसा काम करता है और वो बड़ा जरूरी है जाने का। नीलेश जी ज्यादा बात कर रहे थे, कमियां। मैं ऐसा समझता हूँ ऐसा नहीं है, वो नैक के जो मेंबर्स हैं वो उसके स्ट्रेंथ को भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये स्ट्रेंथ है जिसको आप साइन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको हर नैक के रिपोर्ट में ग्रेड को फाइनली मिलता ही है। ग्रेड के पहले उसको अगले शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो अपने को सुधार सके। और शायद इसीलिए नैक में ये प्रोविजन है कि एक निश्चित अवधि के बाद पुनः उसका मूल्यांकन होगा। और ये हम एक्रेडिशन लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए मैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मैंने नैक कराया और अगर सी आ गया, तो मैं मुहर दिखाने लायक नहीं होता हूँ कि मैं अगर वाइस चांसलर हूँ तो मुझे अपने अकेडमिक और दूसरे स्तरों को इस तरह से करना है, क्योंकि तीन सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टर तो है स्टूडेंट, दूसरा है जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, और तीसरा है जो सोसाइटी के चैलेंजेस को बीट करने के लिए हमारे लड़के तैयार हो गए। और तैयार अगर आज के लिए निकलते हैं तो वो मतलब नहीं है, आगे के लिए निकल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको फ्यूचर का संभालना है। इन चीजों पर बड़ा ये है, और मैं समझता हूँ कि ये तो किया है कुछ प्राइवेट कॉलेजों में भी, कभी कभी कर देता है और ये भी है, लेकिन इनकी जो दूसरी खामियां हैं उन पर देखना चाहिए। देखिए, एक जो यार्ड स्टिक है वो यार्ड स्टिक हर जगह के लिए एक नहीं रहेगी, क्योंकि जगह जो है, जैसे कहते हैं कि जगह और समय के अनुसार थोड़ा चेंज होता है। ऐसी जगह में जो रूरल एरिया में यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, अगर उनको भी आप रूरल में बढ़िया काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं और उसमें वो करती हैं, मुझे बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी, MIT और
निर्मा और किसमें भी घूमने का मिला है, और फिर मैं एक देहाती वातावरण में रहने वाले शांति निकेतन में भी मैं गया हूँ और देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग अच्छा काम कम में स्टूडेंट के व्यक्तित्व विकास के लिए, ज्ञान विकास के लिए और ये पर करे उस पर, और दूसरे जहां नैक कमी कर रहा है वो टीचिंग पर ज्यादा जोर दे रहा है। लगभग 75% जोर उसका टीचिंग और स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जबकि मैं समझता हूं कि हमें रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर रिसर्च यूनिवर्सिटीज नहीं करे, कॉलेज नहीं करे और नई चीजें इनोवेटिव और क्रिएटिव नहीं आए, हम सिर्फ नकल मारने वाले रह जाएं। और क्योंकि अब तो प्रोडक्ट की जगह हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बिकने वाला है, और हम दुनिया को तभी रूल कर सकते हैं जब हम उस पर ध्यान दें। तो हम समझते हैं कि उनके ग्रेडेशन के लिए जितने पॉइंट है बहुत मेहनत से बनाया है लोगों ने, अच्छा बनाया है, लेकिन फिर भी इन दो तीन चार चीजों पर ध्यान करके वो करें और इसको देना चाहिए सबके लिए, सब कॉलेज के लिए मैंडेटरी बनानी चाहिए, और ये हर 2-3 साल पर हो करके इसको लोग बताएं। और अभी अमिताभ साहब सही कह रहे थे कि सही है, जब हम बाजार में जाते हैं तो एक कंज्यूमेबल गुड जिसको हम 10 दिन पहनेंगे, 20 दिन पहनेंगे या 2 साल पहनेंगे, उसको खरीदने के लिए हम ब्रांडेड का ध्यान देते हैं कि हमारे पास नाइक का जूता है कि नहीं, या हमारे पास एडिडास है कि नहीं, वो तो बाटा है कि नहीं, वो अच्छा होगा, अर्थात उसका ब्रांडिंग है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो ए प्लस और ये लाए हुए हैं, सटनली उसमें लड़के और लड़के के गार्जियन उसको ध्यान देते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ उसको प्रैक्टिकल की सुविधा होगी, वहाँ उसको प्रश्न आंसर करने की सुविधा होगी, वहाँ उसको ट्यूटोरियल की सुविधा होगी, और उसको एक इंटरडिसिप्लिनरी और इंटर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में मिलेगा कि अगर वो झुमरी तिलैया में भी पढ़ रहा है और नेट एक नेक के अंदर है और ए प्लस आया हुआ है, तो निश्चित उसका इंटर इंस्टीट्यूशनल में हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज से उसका संबंध होगा। जब वहाँ कोई बढ़िया लेक्चर होगा तो वो प्रोफेसर इसके यहाँ भी वेबिनार पर वो अप्रोच कर सकते हैं। तो अर्थात ये है कि उसके प्लस पॉइंट को कैच करने की जरूरत है। नॉर्मली जैसा कि होता है, हमको नहीं कहना चाहिए लेकिन नीलेश जी मेरी बात को सपोर्ट करेंगे कि इसमें भी अब कुछ जिसको कहेंगे कि रेड टेपिज्म आ गया है। ये जब जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज, क्योंकि मैं नैक के किसी कुछ टीमों का पार्ट रहा हूँ, तो जब वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वो ईमानदारी से वो उसमें जहाँ काम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने फील किया है, वो न कर करके दिल्ली और बॉम्बे और बड़े बड़े जगह पर एजुकेशनल कंसल्टेंट को ठीका दे रहे हैं कि आओ और एक ऐसा हमको रोजी पिक्चर देने वाला चीज बना दो जिससे कि हम मिसमेराइज कर सके मेंबर्स को। हालांकि मेंबर्स सब बड़े क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इसमें अगर मैं बीमार हूं और डॉक्टर के पास जाऊं और उसके बदले में नीलेश जी बताएं कि इनको ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो शायद वो बहुत नज़दीक से नहीं बता पाएंगे, हम अपना अपने बता पाएंगे। तो वो लोग देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये देखने की प्रक्रिया 2-3 दिन जो है शायद कम है, और दूसरे अनाउंस करके आ करके देखना भी कम है। अगर यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट को, वर्क कल्चर को, अचीवमेंट को और उनके सिस्टम को समझना है कि कहाँ कहाँ पर ये चल रही है, तो हम समझते हैं कि उन प्रोफेसरों को वहाँ आके कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए, जो कि नीलेश जी या हमारा ये जो सोसाइटी है इसको रिकमेंड कर सकता है यूजीसी को, कि उनको आप कहिए कि एक एक आदमी एक एक दिन रहे और 2-4-5 दिन वहाँ स्टे करे या देखे लड़के घर में कैसे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कैसे पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कल्चर और क्लाइमेट क्रिएट करने की जरूरत। लेकिन सडनली मैं बड़ा ही होपफुल हूँ कि नैक हमारे यूनिवर्सिटी को एक ये देगा। और एक और प्रश्न जो बताए थे, वो कह रहे थे इसका फायदा न सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में होता है, बल्कि इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आप सी ग्रेड हैं तो आप पर कुछ पाबंदियां लग जाएंगी, आप रिसर्च और पीएचडी और डीएससी और इत्यादि कर जाने पर ये हो जाएंगे और रिसर्च ये, और अगर आप ए और ये ले आए तो आपको एनुअल 5-10 करोड़ रुपए का ग्रांट भी मिलेगा और कैचअप ग्रांट भी मिलेगा, अर्थात ये बड़ा फायदा।
फायदा है कि नॉट ओनली मॉनेटरी, और आपको ये भी है कि जब आप के पास ए हो गया तो आप इंटर इंस्टीट्यूशनल या इंटर डिसिप्लिनरी या गेस्ट लेक्चर या सेमिनार या सिंपोजियम के लिए आप रोप कर सकते हैं और अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली कुल मिलाकर के प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का रोल भी तो यही है। तो भगवान करे कि एक्सेलरेट करे डैक हमारी एक्टिविटी को। ये सही कह रहे हैं कि हम बहुत नीचे जा चुके हैं, लेकिन जो नीचे गया है उसी को तो चांस है ऊपर उठने का। अब हार्वर्ड और कैम्ब्रिज अब कहाँ जाएंगे, अब हमारा पटना यूनिवर्सिटी और अब हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अब हमारा मद्रास यूनिवर्सिटी ही कैम्ब्रिज, आगे का कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने समरी किया, कुछ एडिशन, बहुत सा एडिशन जोड़ा आपने। रोहिदास जी आप पुणे से हैं, रोहिदास जी आपको महाराष्ट्र एजुकेशन का कुछ अनुभव है क्या, बताइए। नहीं सर जी, यहाँ पे तो जैसा पुणे में है या बाहर भी है, तो आपने जैसा कहा है कि हर जगह जैसा कॉपी वगैरह है, तो वो रूरल एरिया छोड़ के यहाँ जैसा वैसा नहीं होता है, बहुत जगह काफी स्ट्रिक्ट रहता है। और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट वाले जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके स्क्वाड बनाए रहते हैं, कुछ अलग ऑफिशियल्स के क्लार्क और कुछ हायर अथॉरिटी, उनका वो एक ग्रुप बनाया जाता है उसके लिए। हरदम जब लोग जाते हैं अंदर तो चेकिंग बेकिंग करते हैं कुछ है क्या साथ में। अमिताभ जी, नीतेश जी को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना है। मैं एक मीटिंग में जाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शुरू किया था उसी के आधार पर बना है वो धीरे धीरे स्कूल वगैरह में होने लगा है, दूसरे दूसरे जगह कभी होगा तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं चूंकि हरवरी में हूँ इस बहुत ही नायाब विषय के लिए प्रोफेसर नीलेश नारायण जी को जितना धन्यवाद दें वो कम है। आप सबों को प्रणाम। और प्रणाम सर आप प्रणाम मेरे तरफ से सभी लोगों को। तो मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीजों का नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्या महत्व है, इन्हीं शब्दों और भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी लखनऊ से एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन है, डीओपीटी के मास्टर ट्रेनर है जोशी जी। हाँ धन्यवाद प्रोफेसर नीलेश नारायण प्रसाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया आप, तो मैं ये और उसमें एडिशन जनार्दन जी ने भी बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये है ना कि सर कि इसमें बड़े चैलेंजेस आते हैं एक्रेडिटेशन करते समय, तो ये चैलेंजेस हम कैसे दूर करें, और खासतौर पे ऐसे विद्यालय या यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस नहीं है ना, उनको प्रेजेंटेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं मेंबर्स के सामने। और दूसरे मेरा आपसे ये प्रश्न है कि देखिए एक व्यक्ति होता है और चाहे कहीं भी हो विश्व में चाहे हिंदुस्तान में हो, उसको अपने आप को एक स्टैंडर्ड के अनुसार लाने में काफी कुछ करना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से अगर वातावरण बहुत अच्छा किसी को मिलता है तो उस वातावरण के प्लस पॉइंट उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर हम जो हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज में हैं उनके अंदर पर्सनली मैं महसूस करता हूँ जो बात पहले थी 60 के दशक में या 70 के दशक में 80 के दशक में, वो बात अब नज़र नहीं आती। तो इसमें इस जबकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत अच्छा शो करें, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वर्ल्ड में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की 100 अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर नीलेश नारायण? हाँ जी नीलेश नारायण जी, जोशी जी ने प्रश्न पूछा। आपका सही कहना है सर, तो इसके पहले बात आपका कहना एकदम सही है कि सिर्फ नेक एग्रीडेशन से सब कुछ नहीं है।
थोड़ी हमको आत्ममंथन भी करना होगा, मैंने पहले बताया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना होगा, साथ में रिसर्च प्रोग्राम से उनको जोड़ना होगा, पब्लिकेशंस की ओर ध्यान देना होगा, बच्चों किताब से काफी दूर जा रहे हैं, कंप्लीटली वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो रहे हैं, इन सारी चीजों से जोड़ना होगा, रिसर्च जैसे चीजों से उनको जोड़ना होगा, और शिक्षक का भी थोड़ा सा अपनी उत्तरदायित्व को समझने की जरूरत है, जो कहें पॉजिटिव साइड भी है इसके। तो आपका कहना सही है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं, और ये परिवर्तन आएगा सर, शुरुआत तो हुई है, आप जैसे आशावादी लोगों के विचार और हम लोग के क्रियाकलापों से शिक्षक के कॉलेजों के विद्यालय महाविद्यालय के में गुणवत्ता की इच्छा कर सकते हैं, और साथ में कुछ ऐसे हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसे भी नैक में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं, जैसे आपने कहा इसको भी सजेशन में डाल सकते हैं, सजेशन को वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज है, कल भी था और आज भी है, और ये हमको लगता है कि चैलेंज हमेशा रहेगा, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, तो इसी आशा के साथ हम आपका समर्थन करते हैं सर। थैंक यू अमिताभ जी, मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर नीलेश नारायण जी को फिर पुनः लाएं, और बहुत अच्छा आज आपकी बड़ी ऐसी वार्ता है जो कि सभी के लिए उपयोगी है, और खासतौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, नैक इसी दिशा में किए जाने वाला एक प्रयास है, तो प्रोफेसर नीलेश नारायण जी को आज की वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे और प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भविष्य में निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही इसी विषय पर आपको पुनः आमंत्रित करें। थैंक यू सर। हाँ नीलेश, आप देखिए आपके लिए डिमांड क्रिएट हुआ, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप हमारे यहाँ आते रहें, और जरूर सर, नए नए ज्ञान से हम लोगों को बताया करें, और सर, तो मेरे गर्व की बात है, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है सर। हाँ जी, अच्छा रोहिदास जी, आप 16 या 17 तारीख को जो मल्टीफेथ प्रेयर होगा उसमें आप पूना का मतलब महाराष्ट्रीयन भजन लेके जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में था हम आपका नाम उस लिस्ट में डाल देंगे, उसमें पूरे दुनिया के विद्वान होंगे, ये हमारे वेबिनार ग्रुप को केवल ईश्वर का सहारा है, और इतने बड़े बड़े लोग और सारी दुनिया से हम जुड़ते जा रहे हैं अपने सात्विकता, अपने ईमानदारी से, अपने पूजा के बल पर। तो हम चाहेंगे रोहिदास जी, आप गणपति देव का बहुत अच्छा भजन गाते हैं, तो हम लोग उस दिन रहेंगे जिसमें पूरे दुनिया के अमेरिका, स्विट्जरलैंड और सब जगह से, पंजाब, कश्मीर, मद्रास, सब जगह से लोग, और पूना से आप रहेंगे, ये हम आपको एडवांस में आज इतना दिन पहले ही बता दे रहे हैं। मराठी भजन चलेगा? मराठी भजन चलेगा, और उसमें आप मतलब उसका अनुवाद भी बता दीजिएगा। प्रसाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने वो आते समय नीलेश साहब का उन्होंने स्वागत किया था, अब नीलेश साहब के उत्साह को बढ़ाएं कि इतने निगेटिव स्थिति में भी वो उसको पॉजिटिव लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो सब अब उम्र हो गया, हम लोग सब कुछ अपनी आंख से देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, और अपने एक मोरल पे अपने को खड़ा रखे हुए हैं। तो प्रसाद साहब नीलेश साहब को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें और हमारे उन्हें उत्साहित करें। नीलेश जी, प्रोफेसर नीलेश प्रसाद, प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद आप बना रहे हैं सर। जी, मैं बहुत आपका शुभचिंतक ही हूं, और आपने जो बातें कही उससे मेरा ज्ञान तो जरूर बढ़ा, कुछ हमें बहुत ही एक हमारा पर्सनल अनुभव जो था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, जिसके वजह से मैंने थोड़े शार्प शब्दों में ये कहा कि फेक और जेन्युइन ये दो कैटेगरीज हैं,
जिसमें अगर हम कह दें कि ये फेक है, जैसे अगर सी ग्रेड किसी को आप देते हैं तो उसके साथ ये भी कह दीजिए कि ये फेक, क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल है वो फेक, और जनता उसी भाषा को समझेगी। आप सी कहेंगे, सी प्लस कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसको जनता समझेगी कि ये पास है, मेरी नजर में वो फेल है। तो हम जनता को जरूर इस बात से इस जागरूकता जरूर हमारी तभी होगी जबकि उनके भाषा में आप बताएंगे ये क्या कितने पानी में है। नहीं तो बच्चे जैसे हमने बताया, आप तो आते हैं यहाँ, लड़कियां आती हैं पढ़ने वाले, और उनसे मैंने पूछा, नेपाल से लड़कियां आती हैं आप पढ़ने के लिए, कोचिंग में पढ़ती हैं, किसी स्कूल में एडमिशन, किसी कॉलेज में एडमिशन है उनका? और जैसा अभी अमिताभ जी ने बताया, तो ये अगर एक्सेप्शन होता तो मुझे तकलीफ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट इतना नहीं होता, तब मैं बहुत नम्रता से इस बात को मॉडेस्टी के साथ पेश करता जो उचित है, जब इस तरह की कमजोरियां एक्सेप्शंस हो। लेकिन जब एक्सेप्शन ही रूल बन जाए तो छिपाना नहीं चाहिए, छिपाना एक्सेप्शंस को चाहिए, बल्कि हम लोगों के जमाने में तो एक्सेप्शन ही रूल हो जाता था। तो लेकिन वो एक्सेप्शन अच्छे के लिए होता था, ऐसा नहीं कि 100 में 99 बुराई है और 1 अच्छाई है तो हम उसको एक्सेप्शन कहें। 100 में 99 अच्छे हैं, 1 बुरा है, वो एक्सेप्शन। अब तो ऐसा नहीं लगता जो, लेकिन तब एक बात है कि अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सज्जन ने जो बात बताई कि उनके यहाँ ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिससे हमारा प्रदेश गुजर रहा है। कई और सेक्टर्स में भी बिहार अगर पीछे है, वैसे तो बिहार के बारे में अब अपनी बात अपनी अच्छी नहीं लगती है बार बार दोहराने में कि बॉटम लाइन पर हम ही हैं हर दृष्टिकोण से, ये तो कहना ठीक नहीं है। हमको हमेशा ये कहना चाहिए हम तरक्की कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें कहना चाहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम कहते रहेंगे कि हम तरक्की नहीं करते हैं तो नहीं ही हो जाएगा, वही बन जाएगा हमारी प्रवृत्ति। हमें तो कहना चाहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं, और वाकई तरक्की होने लगी है। मैंने अन्य जगह देखा भी, इस बार का GDP वगैरह हम लोगों का बड़ा प्रशंसनीय है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसा जनार्दन जी ने और डॉक्टर साहब से मैं उम्मीद कर रहा था और थोड़ी खरी खोटी बात सुनना, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक तरफ तो उन्होंने जरूर कहा कि अगर दुनिया में कोई बदलाव लाना है अच्छाई के रास्ते पर हमें चलने की प्रवृत्ति आनी है तो वो एजुकेशन के रास्ते से ही आएगी, और मैं भी उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन तब जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको भले हम प्रकाशित ना करें, लेकिन बल्कि सोचना चाहिए कि उसको हम प्रकाशित करें, क्योंकि कुछ दिन तक में उसको प्रकाशित करने की जरूरत है ताकि लोग समझ जाएं, और प्रेशर उनके अभिभावकों की तरफ से आए, बच्चों की तरफ से आए,
अब नहीं पढ़ेंगे ऐसे स्कूल में जहां से ये सुविधाएं नहीं है, और सरकार को स्टेप इन करना चाहिए वैसे सिचुएशंस में। ये क्या बात है, ऐसे नामकरण होना चाहिए। आप जानते देखते ही हैं कि पहले जो कन्विक्टेड पर्संस होते थे क्राइम के डोमेन में, पहले नाम को प्रकाशित किया जाता था, जैसे ही वो उसको सजा हो गई तो उसके नाम को प्रकाशित किया जाता था और सब जगह उसकी खबर भेज दी जाती थी ताकि लोग ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहें। पुलिस स्टेशन में बैड पीपल का एक लिस्ट अलग से रहता था हर, और वो सतर्क, वो समाज के लोग उनसे सतर्क होते थे। ये सब अच्छी प्रथाएं थी जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अच्छे को अच्छा नहीं कहना, उसको बुरे के साथ जोड़ देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को कम से कम उसको सम्मानित की लिस्ट में न रखता, वो जरूरी है। एजुकेशन के फील्ड में ये और भी जरूरी है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहने वालों की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है सुधार लाने की। सिस्टम के बाहर के लोग तो केवल उसके क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर रह करके उसमें सुधार किया जा सकता है। और हमारी शुभकामना है आपके साथ हमेशा रहेगी कि आपके निजी प्रयत्न से आपके संस्था के अंदर सुधार हो सकता है। ऐसा बहुत लोगों की वजह से हुआ है। हर संस्था में किसी न कोई व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सुधार का वाटरशेड बन जाता है। हर सिस्टम में कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन कमजोरियों को दूर करने वाले कम लोग होते हैं। हम आप का नाम उन लोगों में देखना चाहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप उसमें सफल हो। इन्हीं सब लोगों के साथ आपको मैं अपनी शुभकामना देता हूं और आप आए हम लोगों के बीच अपनी बात को शेयर। धन्यवाद। आप किसी, हाँ जी सर, आपका आशीर्वचनों के लिए पहले तो धन्यवाद, फिर आपको सर प्रणाम मेरे तरफ से, प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम सर। प्रणाम। खत्म हो गया ना।